और भाई साहब आज को बताऊंगा जनरल क्लास में सीट कैसे लूटते भाई साहब। आखिरकार मैं भी ट्रेन में आ चुका हूँ। सारा तुम्हारा कोई ना रहता। कितने बंदे? कितने बंदे बता? दो बंदे। 15 बंदे ना इधर। 15 बंदे कहाँ बैठेगा? 15 बंदे भाई यही सब होता है। 15 बंदे के तुम्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। और भाई साहब हमने सीट लूट लिया है। ये देखो भाई से मार रहे हैं। कोई नहीं सेब का मालिक कोई नहीं है। लूट गया, लूट गया सेब, लूट गया भाई सेब, लूट गया। यार भाई साहब आपने YouTube पे आज तक नहीं देखा होगा कि कोई जनरल क्लास में पिज्जा खाता है, वो हम दिखाएंगे भाई। जय दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। मेरा नाम है अजीत सिंह, आप सभी देख सकते हो। फिलहाल मैं हूँ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। आप सभी को भाई साहब ले जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरती दिखाने। यानी हम जो आज ट्रेन जर्नी करने वाले हैं ना, वैसे वो करने वाले ट्रेन नंबर 1565 है 2, यानी लोहित एक्सप्रेस में, जो कि भाई साहब हफ्ते के केवल एक दिन इसे जम्मू तवी से बुधवार को निकलती है। और ठीक है, यानी लगभग हम लोग 2345 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, यानी 3 दिन की लंबी दूरी तय करने के बाद पहुंच जाएंगे आसाम के गुवाहाटी के खूबसूरत रेलवे स्टेशन। और भाई साहब चलते हैं इस ट्रेन को कवर करने के लिए जम्मू तवी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और भाई साहब देख सकते हो आ चुके अपने भाई साहब ट्रेन, यानी लोहित एक्सप्रेस। और भाई साहब गेट नहीं खुला है और अंदर जाना। और आज सभी को आज दिखाऊंगा ना, आपको बताऊंगा जनरल क्लास में सीट कैसे लूटते हैं। ये देखिए यहाँ चढ़ना चालू हो चुका है। चल 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 इधर से चल चल। अरे जा चल चल जा रहा है। अरे तो आगे से तो चल ना, उधर से ही तो केवल जा रहा है, केवल इधर तो जा ही नहीं रहा है। और भाई साहब आखिरकार मैं भी ट्रेन में आ चुका हूँ और कोई सीट पकड़ना होगा। और भाई साहब हमने सीट लूट लिया है। और हमारे साथ है जेएस जर्नी यानी जुनैद भाई। इन्होंने सीट लूटा है। और भाई साहब जनरल कोच में सीट लूटना और जान से जाना बराबर है। सीट लेते ही पूरा फैल के सो जाना। ये देखो ये भी चला के ये भी सो गया है पूरा। मारो ये देखो, मारो मारो लड़ाई नहीं है। जब आप ज्यादा लड़ाई करो तो मारा पेटी हो जाएगा। और भाई साहब सीट के लिए ऐसी लड़ाई भी होती है, आप कभी ना YouTube पे पहली बार देखा होगा, ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये जो पहले लूटा हुआ बैठा हो। ये देखो भाई इसको मार रहे हैं। एक आदमी 50 सामान का होगा भाई साहब। भाई साहब अल्टीमेट, मैंने आज तक कभी बाहर देखा था, अंदर का नहीं देखा था। आपको मैंने दिखा दी है, देखो। अरे भाई ये, अरे आगे पीछे देख ले रे भाई, आगे पीछे कहीं देख ले, जरूरी नहीं है रहने का। मेरी भाई साहब आवाज दब चुकी है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट कैसे भी करके मैं बोल रहा हूँ। अभी अब देखते रहिए, मैं कुछ बोलने वाला नहीं भाई, मेरी हालत खराब हो चुकी है। मैंने आज तक लाइफ में कभी भी ऐसा फेस फील नहीं किया है जैसा अभी देखने को मिल रहा है। यार
बैठे हम लोग क्या बैठने का फायदा, जैसे आप है ना जो बैठ गए उनको हटाने कोई फायदा नहीं है, वो नहीं हटेंगे समझा दीजिए। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, वही तो लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, सुने समझे, लड़ाई झगड़ा करने कोई फायदा नहीं है, अगर जगह है तो बैठा लीजिए वरना हट जाइए, क्या वही तो भाई लड़ाई झगड़ा भी समझा समझा के सोल्व करना। ट्रेन में 100 ग्राम भी जगह नहीं है, देख लीजिए। मुझे सफर करते 1.5 साल हो गए और मैंने ऐसा फेस फील नहीं किया है, क्या पता मेरा मोबाइल जिंदा है कि नहीं है, एक बार मैं चेक कर दे रहा हूँ। अरे इनका चीज आ रहा है, किस्मत छोड़ा टांग दिया रे भाई, भाई लोग तो लोग आ जा रहे जैसे ये समुंदर और सबको घुस जाना है। आई डोंट बिलीव यार, मैंने ऐसा नहीं देखा है। तो बोरा इतना लाया जितना इस साल आदमी नहीं है, सीट पे आदमी कम बोरा ज्यादा ही, देखिए ये वो मतलब आदमी नहीं बैठना है बोरा बैठाना है, बोरा में पहुंचता नहीं, कौन सा सेब का बगान लेके जा रही है कश्मीर से। अरे बोरा लेके जाओ, रख रहे रख उसका ऊपर रख, मैं बोला अरे साढ़े पांच करना भाई। और भाई साहब फाइनली यानी 10:45 पे देख सकते हो जो ट्रेन अपनी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है, और भाई साहब ये पूरे का पूरा 3 दिन बाद यानी आज रात को, कल पूरा दिन, परसों रात को, चौथे पूरे दिन रात को आप सभी को पहुंचाएगी यानी गुवाहाटी। भाई साहब यानी पूरे का पूरे 4-3 दिन हम लोग कैसे रहेंगे ये तो नहीं पता, अभी से ही पहला हॉल्ट से देख सकते कितना हालत बेकार है। तो भाई साहब समझ रहे हो ना कितना मेहनत तो आपने देख ही लिया है। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब पता ना क्या मिलने वाला है, और अल्टीमेट से अल्टीमेट यात्रा, क्योंकि देखो हम लोग कहाँ बैठे बस ऐसा ही में रात काट लेना है, हम इतना घुड़के हुए हैं, ये भाई भी देखो ऐसे घुड़का हुआ है, ये भी ऐसे खड़े, मतलब जो जहाँ चिपक गया अब वही रहेगा, वो हिल नहीं सकता, बाकी आप लोग हिल सकते थे, हिलते डुलते इस ब्लॉग को देखते रहिए। अब देखिए अंदर का हंगामा क्या होने वाला है। आदमी आप ऊपर में रखते हैं बैग, आगे पापा गेट पर से मेरे ऊपर रखा है क्या पापा रखा है। और भाई साहब ये तो अपनी ट्रेन का पहला हॉल्ट है, अब आप समझ सकते हो कि जितने भी हॉल्ट्स आने वाले हैं ना इसी प्रकार से लोग रात भर ट्रेन चढ़ेंगे जितने भी आएंगे। लुधियाना का तब तो भूल ही जाना कि क्या होने वाला है, कैसे एडजस्टमेंट किया है, अब हर स्टेशन पे तो यही होगा, तो हर स्टेशन का तो दिखा नहीं सकते, जब तक लिए मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ पे मिलता हूँ आप सभी को, बाकी बीच में ऐसा कुछ होता है तो दिखाया जाएगा आपको। बाकी देख रहे हैं कितना खतरनाक है, औरतें से लेके बच्चे तक सभी के सभी हर स्टेशन पर घुसते इस ट्रेन में। तो गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, सफर के इस दूसरे दिन में आप सभी का सुबह सुबह स्वागत है, आप लोगों के लिए सुबह होगी लेकिन हम सभी भैया और हमारे लोगों के लिए सुबह नहीं है, क्योंकि रात को जो सोता है उसके लिए तो सुबह होती है। बाकी सभी देख लीजिए, कोई जुगाड़ लगा के इधर सोया था, कोई इधर सोया था, और इधर देखे ना हटना भाई, और कोई कोई भाई साहब इधर सोया था, मतलब जिसको जहाँ मिल गई वहाँ सो गया था, बैठ गया था, उठ गया था, जो कहे। लेकिन हम लोग पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे अपना 10 मिनट का हॉल्ट होगा, तब देखते हैं सुबह की शुरुआत यहाँ से कैसी होने वाली है। लेकिन रात तो इतना पता है कि ऐसा कोई सा भी स्टेशन ना हो
जहाँ पे लोग ना चढ़ते हो, अम्बाला तक लोग चढ़े भाई। अब सोच लो अम्बाला सुबह में 5:30 बजे आया था करीबन। तो चलिए जी, आप सभी ने देखा सुबह की शुरुआत हो चुकी है सहारनपुर जंक्शन से। और बात करो इसे सहारनपुर रेलवे स्टेशन की, तो भाई साहब आते आते ही पहले टीटी जी का हमला हुआ। मतलब टिकटों की चेकिंग यहीं से होती है, ना कि जम्मू से चढ़ने के बाद कहीं तक। वैसे अगर बात करूँ सहारनपुर रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन कोड SRE नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पूरे के पूरे 6 और 8 से ओरिजिनेटमेंट तो होती है, और साथ में पूरे के पूरे 134 ट्रेनों का हॉल्ट। और भाई साहब ये जो सहारनपुर है ना, बहुत ही अच्छा खासा जंक्शन है, क्योंकि देखो हम लोग अम्बाला की तरफ से आ रहे हैं, मुरादाबाद जाएंगे, एक यहाँ से लगती है निकलती है शामली वाली, और एक दिल्ली वाली निकलती है। मतलब यहाँ से आप सभी को हर जगह की गाड़ियाँ मिल जाएंगी, और हरिद्वार जाना है तो आप जा ही सकते हैं। वैसे अगर बात करूँ तो अच्छा खासा 10 मिनट का टाइम है, जिसमें आप चाहो तो कुछ सुबह सुबह क्या ले सकते हो, चाहे पानी पी सकते हो, बाकी ये मिलता है। और दोपहर में आओगे तो अच्छा खासा खाने पीने का व्यवस्था होता ही है। भाई साहब देख सकते हो ट्रेन अपनी है ना, वो रुड़की में पहुँच चुकी है, और अंदर में वहाँ सहारनपुर जब खुलते समय मैं दिखा नहीं पाया। और भाई साहब ये स्लीपर कोच पास हम लोग खड़े, इतना भीड़ है ठूस ठूस के, और अपना कोच भाई साहब। और हमने सोचा कि जब आए हैं तो पीछे आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देख सकते हो गर्मा गर्मा पेटी ले लिया है, और साथ में केचप भी दिया जाएगा 20 रुपये का, खा के बताते हैं, पैसा देते हैं भैया को पहले, चलते हैं फिर अपने उसी कोच में। और भाई साहब जो 20 रुपये लालू पेटी लिया था ना, टेस्ट भाई साहब बहुत बढ़िया है, मतलब सुबह सुबह अभी अभी गर्म गर्म आएगा, तो चलो खाते हैं और चलते अपने सीट पे। साहब अभी रुड़की से निकले हैं, अरे आजा भाई, और एक बंदा हमारा इधर ही फंस गया देखो, अरे खींचो भाई, पैर फैलाओ भाई साहब। करीबन अभी करीबन यहाँ से 100 लोग से ज्यादा ट्रेन में बैठ चुके हैं। दादा एक बार खड़ा हो जाइए, हम लोग चढ़ जाए ऊपर। अरे बाप रे भैया, अरे भाई उतरना तू। हाँ हम ही हैं हम। अरे बाप रे भाई थोड़ा बाप रे, अरे ऐसा लग रहा है कि जंग लड़ रहे हैं इस दुनिया के लिए। तो चलिए जी दोस्तों, इतना स्ट्रगल के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच गए मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। लेकिन बात यह कि बताओ ना, मैं इस ट्रेन में बैठ तो गया हूँ, लेकिन मुझसे सफर नहीं हो पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ या नहीं करूँ भाई। ना कोई स्टेशन दिखा पा रहा हूँ, ना कोई स्किपिंग, ना बाहर के नज़ारे, तो क्या ही ट्रेन जर्नी मैं दिखा रहा हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बात यह कि भाई साहब भीड़ इस ट्रेन में कुछ नहीं करना, मुझे लग रहा है कि मैं जितनी भी ट्रेन जर्नी किया हूँ ना, ऐसा पैक वाला भीड़ है मैंने नहीं देखा। मैंने भीड़ देखा है जो हिलता डुलता है, लेकिन ये पैक वाला भीड़ है ना, हिलता है ना डुलता है। बाकी वैसे मुरादाबाद आ चुका, और मुरादाबाद जानते हैं ना किस लिए फेमस है भाई साहब, मुरादाबादी बिरयानी। वाह वाह, क्या लेग पीस के साथ साथ वाइट वाइट राइस आता है भाई, वेज वालों के लिए पता है ना, मुरादाबादी दाल है। लेकिन ना अभी हमारे मुरादाबादी दाल मिलेगा, ना बिरयानी, तो हम पता है क्या खाएंगे, यहाँ पे ये सब मिलने हैं, केले, नमकीन, चिप्स, तो यही है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ ले रहे हैं, कहा से कि जिंदा रहना भी तो ज़रूरी है, पानी कहीं से ले रहे हैं, कहीं से कुछ, अंदर ट्रेन में कुछ बिकने नहीं आ रहा, क्योंकि ये रेसिपी तो है नहीं भाई, पैक है एक डब्बा बस, पैक है सबसे अलग, लेते हैं अंदर घुसते हैं, नहीं तो आपसे बातें करने लायक भी नहीं रहूँगा मैं। भाई साहब अब केले वाले ले लिए हैं, बाकी हम तो चलते हैं। लेकिन देख सकते ये है स्लीपर क्लास भाई साहब, मतलब आप बहुत लोग कहते हैं कि जनरल में सफर करते स्लीपर में क्यों नहीं करते, मैं स्लीपर में क्यों करूँ भाई, अब स्लीपर में ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, जनरल जैसा ही हार है स्लीपर में, तो आपका एसी में करते रहे दिन भर, एसी में आम आदमी कर लिया ना जनरल। बाकी चलते हैं बैठते हैं अंदर, अंदर का जनरल का हद से हालत ज़्यादा ख़राब है, जनरल में तो कहीं बैठ भी सकते हो, उसमें तो भाई क्या है। और भाई साहब अभी अपनी ट्रेन पहुँच चुके हैं हरदोई में, और आप सभी सोच रहे होंगे कि मुरादाबाद के बाद मैं कोई स्टेशन कवर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बस कवर ना करने का कारण ही है ना कि मैं इस गेट से भी नहीं जा सकता, और मैं इस गेट से भी नहीं जा सकता। तो भाई जब मैं किसी स्टेशन पे किसी गेट से जा ही नहीं सकता, तो मैं किसी स्टेशन पे कवर कैसे करूँगा। और आप लोग कमेंट करेंगे कि ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, तो भाई छोड़ा छोड़ी नहीं कर रहा हूँ, पकड़ा पकड़ा ही नहीं पड़ा स्टेशन का, बाकी कैसे भी करके लखनऊ आने वाला है, 1.5 घंटे का, ऐसे तो 1 घंटे का टाइम है, लेकिन 1.5-2 घंटे से कम नहीं लगा, क्योंकि ट्रेन अपनी 1.5 घंटे लेट ही चल रही है। बाकी पहुंचते हैं जहां तक पहुंच पाएंगे, टॉयलेट जाना मुश्किल है, क्योंकि ये वाला जो टॉयलेट है इसमें साहब जी हमारे बैठे हैं ये लोग, और वो वाला टॉयलेट चालू है तो वो गंदा है। और बात यह है ना भाई कि आप लोग इतना शिकायत करते हो कि जनरल क्लास में जाते हो, जनरल क्लास का टॉयलेट दिखाया करो, तो भाई साहब जो हमारी सरकार है हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी काम कर रही है, बड़ी बड़ी, कि हम लोग इतना टॉयलेट जो है ना साफ रहता है कि हम लोग देख लो भाई,
टॉयलेट में ही सफर कर रहा है। टॉयलेट है भाई, हट तो भाई। देख लो ये टॉयलेट है और ये कमोड है और हम सारे भाई मिलके इसी में टॉयलेट में खाना खाते हैं, टॉयलेट में ही रहते हैं। ये देखो समोसा खाते हैं, बाहर समोसा खरीदते हैं। ये देख लो इधर हटो भैया, थोड़ा सा दिखाई दे, ये टॉयलेट है, इसके ऊपर बैठते हैं हम लोग। मतलब हमारा भाई इतना विकास हो रहा है ना, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, समझ सकते हो। मतलब कोई टॉयलेट में जाता है यार, मतलब हम लोग टॉयलेट में खाना खा रहे हैं भाई। और आप लोग कहते हो कि एसी का दिखाई, एसी का हम क्या दिखाएं? मतलब ये जो मेरे भाई हैं, ये कमाए धमाए नहीं खाए, ये सब नहीं खाना, यही चाहते हो आप लोग। कितने मतलब बता करे, कभी पानी के लिए लड़ना पड़ता है, कभी किसी के लिए, क्या कहाँ लड़े यार। पानी बस भैया टॉयलेट है, इसमें कहाँ पियेंगे हम पानी, यही मजबूरी है। लेकिन समझने वाले कहते हैं एसी में जाओ। अरे भैया हम 5-स्टार होटल में चले जाए, लेकिन भाई इस बाकी सब कोई नहीं जा सकता ना। अब तो भगवान ही जानते हैं कि मेरे भाई लोग कैसे हैं ये, बाकी देखते हैं, चलते हैं उधर उधर, कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। इसमें भी कोई कितना देर तक रहेगा, इसे भी बैठा ही एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पाँच लोग, छः लोग, आपका भाई 7 लोग, मर जाएगा आदमी इसमें, साला जिंदगी झंड हो जाएगा। और ये मेरे बड़े भैया लोग इधर भी बैठे हैं। ओ चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। और बात यह है ना कि भाई साहब नवाबों का शहर है, लेकिन यहाँ के जो लोग अभी चढ़ने वाले नवाबों की तरह ना चढ़ पा रहे हैं, ना हम लोग उतर पा रहे हैं, बस फंसे हुए हैं। सोचो अभी इतना भीड़ है और यहाँ से भी चढ़ने वाले इस गेट पे, उस गेट पे, मतलब भाई साहब एक जनरल है, कितना चढ़ेंगे यार। वैसे अगर बात करें इस लखनऊ की, तो भाई 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और पूरे का पूरे 253 ट्रेनों का भाई साहब यहाँ पे ठहराव है और इन ट्रेमेंट तो यहाँ से होती है। और बात यह है ना कि भाई साहब हमने इस साथ में, इस ट्रेन जर्नी के साथ साथ में सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आप सभी ने देखा, बस वही 2-4 केले खा के मैं जैसे भी जी रहा हूँ। देखो हमने कुछ खाना पीना ऑर्डर किया है भाई साहब, देखो BR नंबर ही था, बाहर के रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जय सी आराम, रात भर हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। देखते हैं आगे पीछे दौड़ के कि कहाँ मिल जा रहा है अपना भाई जो खाना लेके आया होगा। 2-4 और बाकी ये सब डाल दो, ये मेरे हाथ में पकड़ा दे भाई, बस चलिए भाई साहब। आखिरकार हमने जो खाना ऑर्डर किया था ले ही लिया, देख सकते हो पिज्जा है, और पिज्जा एक नहीं है, पूरे का पूरे 4 बॉक्स है, पूरे का पूरा पता नहीं कौन से फ्लेवर का पिज्जा है। चलो कोच में घुसते वरना खा भी नहीं पाएंगे। और भाई साहब आपने YouTube पे आज तक नहीं देखा होगा कि कोई जनरल क्लास में पिज्जा खाता है, वो हम दिखाएंगे भाई साहब। अलग अलग टाइप के पिज्जा मंगाए हैं, बैठने का जगह नहीं, लेकिन पिज्जा खाने का जगह जुगाड़ कर देंगे आप सभी के लिए। और भाई साहब ये अपनी ट्रेन तो निकल चुकी लखनऊ से, लखनऊ में भाई साहब लोकल लोग भी जो बस्ती या गोंडा तक जाएंगे और गोरखपुर वाले भी इस ट्रेन में इतना चढ़ गया है ना कि अब क्या ही बताएं। देख लीजिए अब दिखाएं क्या, मतलब जानते ही हो तो अब दिखाना क्या है, अब वो सब तो देखते हैं। लेकिन हमारा भी कलेजा, हम भी इंसान हैं तो खाने पीने का मंगाए हैं। तो अपना पिज्जा ये देख लीजिए, पनीर का पिज्जा, ये बहुत सारे पनीर है, ये टमाटो है, यही सब है। और अभी फिलहाल में एकदम गर्मा गर्म है। और अगर बात करूँ ना भाई साहब मैं इस पिज्जे की, अगर पूछेंगे कि भाई साहब जनरल क्लास में आप पिज्जा खा रहे हो भी कैसे, तो देखो ऑर्डर करने का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ब्रह्मा ट्रिक है ना, कि स्टेशन पे घुसने से पहले 30 घंटे पहले ऑर्डर करना है अपने लिस्ट पे। पिज्जा है तो ठीक है, नहीं आया तो वापस चल जाएगा। और आपके पास PNR नंबर, अगर स्लीपर क्लास में जर्नी करते हो तो PNR नंबर का आपके ये पिज्जा मंगवा सकते हो। बाकी हम लोग खाते पीते हैं, पता नहीं कौन से स्टेशन मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे आपसे मिलेंगे ही। ऐसे जैसे मतलब ये जम्मू में ट्रेन भरी थी ना, वैसे वैसे ही ट्रेनें खाली हो चुकी है, होने चालू हो चुकी है, क्योंकि अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन। और गोरखपुर जंक्शन में भी ना देखो, ये जो अपने बीच की लाइन है ना, ये जो भरी हुई थी वो खाली हो गई, इधर की जो सीटें कुछ वो खाली हो गई। वहाँ देखो वहाँ पे भाई साहब पूरा का पूरा भरा हुआ था, पूरा का पूरा इस गोरखपुर में खाली हो चुकी है। और चाय वाले अब निकल रहे हैं, देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा सामान लेके आए थे भाई साहब, पता नहीं कौन सा एक्सप्रेस वे में काम करते हैं लोग, तो यही सब लेके आए थे। तो यही सब है गोरखपुर में, यहाँ से चोट भी लगता है भाई सब मुड़ते मुड़ते। बाकी चलिए निकलने दीजिए गोरखपुर से, हम क्या ही बाहर जाए। और ट्रेन भाई साहब अभी फिलहाल में रात के 12 बज रहे हैं और 8:30 बजे का शायद टाइम था यहाँ पर आने का। आप सोच लीजिए कितना घंटा लेट चल रही है ट्रेन। कोई मालिक ही नहीं है पीछे, क्या खाओ यहाँ पे, भूख नहीं लगा है, पैरों के नीचे से उठाना, एक डिब्बा उठा उसको,
अरे उठा उसको, हाँ उठा, क्या करे फिर डब्बा, अरे उठा के डब्बा दे, डब्बा उठा के देना खाली ऊपर, बस सारा मिल गया, खा लो बस काम खत्म, कोई है नहीं चप्पल का नहीं चाह रही है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सब ले जाओ, बस खराब हो रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया सेब है, ले जाओ ले जाओ, लूटो 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 भाई, कोई नहीं है, कोई नहीं, सेब का मालिक कोई नहीं है, लूटो लूटो लूटो, सब दो चार को ले लो, लेना अपना ले लो, ले लो सेब का, लूटो गया लूटो गया लूटो गया, उतरा सुपेद लूट गया लूट गया, सेब लूट गया भाई, सेब लूट गया, ये किसका सेब का डिब्बा भाई, ये सेब का डिब्बा किसका है, हाँ निकालो 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 भाई, जिसको जो मिले मिलो, जिसको ये लो ये लो ये लो ये लो, हालत खराब है, ये लो ये लो ये लो, हाँ 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 हाँ, ले लो ले लो ले लो, सबका हो गया, ले लो सब, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो सब, कोई मालिक नहीं है, लूट लो सब, खाओ राजा हो जाओ खा के, भाई साहब सेब का पूरा पूरा सेब, पता है क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ, पूरे ट्रेन में इस सेब का मालिक कोई नहीं है, और ये तो एक मिनट दिखाना सेब भाई, इतना बढ़िया बढ़िया सेब है, पैर से अब इसका कोई मालिक नहीं है, पैर से दर्द होती है, सब रे भाई लोग अब खा लिए ना, अब रात का भूख मिट जाएगा, अब खा पी के सो मस्त करो, तो भाई साहब ये सब डर के मारे नहीं खा रहे थे, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैंने सबसे पूछ लिया, पूरे 100% हो गया हूँ, तब मैंने ये खिलाया, और मुझे पता है ये सेब किसका, तो यहाँ भैया बैठे थे ना 4-5 ग्रुप मिला के, उन्हीं के पास 2-4 पेटी था, एक वो दब गया था सेब, तो वो अपना छोड़ के चले गए, बाकी चलते हैं, अब हम भी सोते हैं, ये सेब सेब पूरा ट्रेन में हो ही चुका है। तो गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और इस ट्रेन से मैं निकल चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इस ट्रेन से निकल चुका हूँ, देख सकते हैं भीड़ ने मुझे निकाल दिया है, और आ चुके हैं बरौनी जंक्शन, और बात यह है ना कि इस ट्रेन की जर्नी की मैं क्या बताऊँ, देखो यहाँ तक बरौनी तक आने के बाद इस ट्रेन का हालत ना सुधर रहा है ना कुछ हो रहा है, अंदर में ये सारा रात का टेंशन, तो मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह की शुरुआत करते हैं, सुबह सुबह ब्लॉग से, देखो सनराइज भी हो रहा है और अपने ब्लॉग का भी सनराइज करते हैं, लेकिन इस ब्लॉग का उदय करते हैं, पता है क्यों, क्योंकि भाई साहब देख रहे हो वीडियो कितना लंबा हो गया, तो इसको यहीं पे रहने देते, मैंने रात को नहीं बोला, मैं सुबह में आपके बातें करेंगे, तो भाई साहब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पार्ट टू है ना एकदम मज़ेदार होने वाला है, तो बाकी ट्रेन के अंदर देखते हैं, धमाल मचाते हैं, और भाई पार्ट टू ना देखना, और हाँ पार्ट टू देखने से पहले मुस्कुराइए था, क्योंकि भाई साहब आप सभी हमारे साथ मिलते रहेंगे तो मुस्कुराते रहेंगे।